अब खबर गाजीपुर से है, जहां बलिया के सीमावर्ती इलाकों में पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि गाजीपुर के इलाके में पुलिस खास निगरानी कर रही है। एडीजी और डीआईजी की रेड में अवैध वसूली का भंडाफोड़ होने के बाद गाजीपुर के पुलिस और प्रशासनिक अफसर एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी के तहत सीमावर्ती इलाकों में गंगा नदी में और शराब पशु तस्करी को लेकर पुलिस ने पेट्रोलिंग की है। पलिया घाट है, बिल्कुल घाट है, ये जो थाना भावरकोल के जो घाट है, तो इनसे यदा कदा शिकायत मिलती रहती है कि अवैध शराब की तस्करी होती है इस पास पर। इसी को आकस्मिक रूप से औचक निरीक्षण संयुक्त टीम द्वारा, मेरे एसडीएम द्वारा, डीओ साहब और भावरकोल एसओ के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। यहाँ पर इस पार भी नाविकों से बात की गई, उनको सचेत किया गया, उस पार भी गए और अन्य जनता के लोगों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश की गई क्या समय है, किस तरफ ले जाते हैं, कौन कौन लोग सम्मिलित है। ये सूचना निश्चित तौर पर हमारे लापरवाही होगी, हम लोग इस पर अपेक्षित कार्रवाई करेंगे और किसी भी प्रकार से अवैध शराब या अन्य किसी भी चीज का परिवहन नहीं देंगे। अवैध मथुरा पुलिस ने कैंटर की को घेरा है और बंदी की, तो इसी साथ ही कैंटर में मेडिकल ऑक्सीजन यूनिट बॉक्स के अंदर छिपा कर शराब को ले जा रहे थे। पुलिस कर्मियों ने उस बॉक्स की चेकिंग की और चेकिंग के दौरान 210 अवैध इंपेरियल ब्लू शराब की पेटियां निकली, जो कि लगभग 1900 लीटर शराब की कीमत लगभग 15 लाख रुपए की जा रही। फिलहाल चालक और परिचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छाता पुलिस द्वारा आज एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। छाता पुलिस को सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक अवैध शराब से भरी हुई गाड़ी जो चंडीगढ़ से बिहार जा रही है, वो इसी रास्ते से NH-19 से होकर जा रही है। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी करके इस टीम को कस्बा चौकी के पास जो है रोका। इसमें चेक किया गया तो इसमें मेडिकल ऑक्सीजन का एक अंदर कैंटर टैंकर बना के उसके अंदर ये छुपा के शराब को ले जाया जा रहा था। इसको जब शराब को निकाला गया तो इसमें 210 पेटी इंपीरियल ब्लू, जिसकी लीटर में अगर बात करें तो 1900 लीटर करीब शराब है और कीमत की बात करें तो 15 लाख की शराब है, इसको बरामद किया गया है। और मौके से गाड़ी का ड्राइवर और गाड़ी का हेल्पर जो कि उज्जैन के रहने वाले हैं, जिनका नाम रवि और धर्मेंद्र है, इनको भी गिरफ्तार किया गया है और इनके विरुद्ध मुकदमा लिख के और शराब को और टैंकर के जब्त करके जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी।